थाली लेके कहाँ जा रहे हो? दुश्मन पर बना रही हूँ। हम क्या बना रहे हैं? खाने नहीं पाए, कुछ नहीं खाने पाए। इतनी इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई? पाई हूँ ना। क्या पाए हैं? बेटा चलो सेब खाए आओ, आओ आ जाओ। क्या हो रहा किचन में? हे क्या रहने दो, फिर उठाएंगे। रहने दो, कट करके देना पड़ेगा। अरे सही है। किसके लिए भून रहे हो मूंगफली? अपने लिया मुराद है। पहले रुलाओ उसके बाद खिलाओ। ऐसे बना बनाया मिल जाए तो रोज रोया करे। बोलो दोगे तो? आज पति देव मेरे लिए नाश्ता बना रहे हैं, आज है मेरा व्रत, तो मूंगफली भून रहे हैं और मिठाई आई है, चटनी बन चुकी है ना? अपना काम छोड़कर जो कि पतंग वाला। तो हैप्पी वन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी जो है इवनिंग का टाइम हो रहा है और ब्लॉग तो मेरा शुरू ठीक क्या ब्लॉग तो मेरा शुरू हो चुका है। मैंने आपको दिखाया और यहाँ पर मूंगफली भून रहे हैं पतिदेव और यहाँ पर मेरी थाली लग रही थी, यहाँ पर चटनी बनी हुई है और चटनी गीली गीली बनी है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, थोड़ा सा केयर कर दिए। मेरे बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं थी, आज थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो डांट दी और मैं रो दी थोड़ा सा। क्योंकि जब किसी किसी दिन होता ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, फिर कोई बड़ा करता रहता तो और गुस्सा आती है। बड़ा मतलब उनका मतलब था उठो चाय बनाओ चाय पीओ, तो मैंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, तब खुद ही फिर जो है मूंगफली वगैरह भूनी, चटनी वगैरह बनाई खुद ही, और मूंगफली भी देखिए भून चुकी है। सेब आ गया था मॉर्निंग में ही, लेकिन पता नहीं क्यों व्रत वगैरह में ना मेरा तीखा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता व्रत में, तो बस प्यास बुझाने के लिए मीठा खाते हैं, बाकी मुझे मीठा व्रत में नहीं अच्छा लगता। तो बस यहाँ पर मूंगफली भुन चुकी है, लेकिन अभी मैं खाऊंगी नहीं, अभी हाथ पैर मुंह धुलूंगी अच्छे से, फ्रेश होंगी और कपड़ा वगैरह तय करना है वो सारा तय करूंगी। और ये सेब खा रहे हैं, इनका सेब गिर जा रहा है बार बार, अभी मैं कट करके दूंगी बेटा। तो चलिए फिर अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और ये गरी वाली बर्फी है, पहले ये खाते हैं, थोड़ा सा व्रत में खाया जाता है तो इसको खा लें, उसके बाद फिर मिलते हैं। और हालत देखिए कैसी हो चुकी है, और मैं सो के भी उठी हूँ बहुत ज़्यादा, आज मैं सोई हूँ, मैंने कोई भी ब्लॉग्स वगैरह एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि दो दिन से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से सारा काम गड़बड़ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी सी देर में, फटाफट काम ख़त्म करने के बाद। तो ये देखिए फटाफट यहाँ पर तय कर रहे हैं कपड़े, और ये कपड़े तय करने के बाद फिर जो है बेडरूम वगैरह थोड़ा सा सही करना है, क्योंकि सब लोग घर पर ही थे तो थोड़ा सा मैसी हो गया है, तो थोड़ा सा उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर जो है मेरा काम सारा ख़त्म हो जाएगा। तो भी मुझे इतना काम है, ये सारा काम करने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, चाय वगैरह पीऊँगी, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है लग रहा है, बारिश भी आने वाली है। तो भी तो देखिए ब्लॉग शुरू कर दिया है मैंने, और बस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। और बस तो चलिए फिर यहाँ पर कपड़े तय करते हैं, फटाफट अपना और सारा काम करते हैं। आगे वाले रूम में अभी बहुत सारा खिलौना फैलाया है, क्योंकि हम लोग आज वहीं बैठे थे, क्योंकि वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं बाहर के भी लोग, तो वहीं पर सब लोग बैठ जाते हैं, थोड़ी सी बात वगैरह हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम जो है अच्छे से बीत जाता है, पास हो जाता है। तो थोड़ी देर अभी आगे बैठे थे हम लोग, इनका खिलौना नीचे रख दिया था, ये अपना मस्त थे वहीं पर,
और फिर हम लोग बैठ गए थे वहाँ पर, और हवा भी अच्छी चल रही थी, मौसम भी अच्छा था, तो दरवाजा वगैरह खुला रहता है ना, तो आस पड़ोस के लोग आते हैं, तो बस ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा देर हो गया। फिर बैठे बैठे कोई बात करने लगो तो बात कहाँ ख़त्म होती है, और हम औरतों के पास बात होती इतनी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े देखे मॉर्निंग में मैंने धुले थे, वैसे हाथ से नहीं धुले थे, मशीन से धुला था, लेकिन फिर फैलाने जाओ लाने जाओ उसमें, और ऊपर से ब्रत थका जो है लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। पति देव चिल्ला रहे थे चाय बना लो चाय बना लो, वैसे आज मॉर्निंग से ही मुझे चाय वगैरह वो बना कर दे रहे हैं, मॉर्निंग में भी उन्होंने दिया था, और इस टाइम वो बोलने लगे तो मैं रोने लगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कुछ करने का मन नहीं करता है, तो बस मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी आज, तो वो बोलने लगे कि उठो कम से कम चाय बनाओ, सेम मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, व्रत में ना मेरा तीखा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो वो चिल्ला रहे थे सेब खा लो, और मौसम्मी का जूस भी लेकर आए थे, तो थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है, बेबी है छोटा सा, व्रत वगैरह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बस यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह इस जो है मैं फटाफट हटा के रख लूँगी, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बारिश आ सकती है, और ये सारा तय करने के बाद फिर मैं जो है अपना रूम वगैरह जल्दी जल्दी से सही कर लूँगी, उसके बाद फिर सारा काम मेरा जो है ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही काम था, बहुत ज़्यादा काम नहीं था, और ये अभी जो नीचे मैंने कपड़े डाले थे ना वो बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, और ये सारे छत वाले कपड़े सूख चुके हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, धूप भी अच्छी खासी थी, लेकिन अभी इस टाइम ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो ये सारी देखिए इसको तय करके मैं रख दूँगी। साड़ी वगैरह मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी जब पहनते हैं तो उसको धुल के रखते हैं, क्योंकि पूजा वगैरह में जाना रहता है, या कभी खुद पूजा वगैरह करनी रहती है तो साफ़ सुथरी रहती है तो ठीक रहती है, तो इसको भी मैंने जो है धुल लिया था, क्योंकि मैं घर गई थी तो थोड़ा सा कीचड़ वगैरह हो जाता है ना, बारिश वगैरह हो रही थी तो थोड़ा सा लग गया था, तो इसको भी मैंने फटाफट धुलकर जो है रख दिया था और फैला दिया था, ये भी सूख गया था, और अब आ गई हूँ रूम में, बेडशीट सही कर लूँगी, और उसके बाद बस फिर मैं अपना हाथ पैर वो धुलूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाऊँगी, चाय वगैरह पीऊँगी, तो बस कुछ इस तरीके से मेरा आज का ब्लॉग रहेगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ फुल वॉच जरूर करिएगा, और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, पता नहीं आपको ब्लॉग अच्छा नहीं लग रहा या लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो जो भी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ताकि मुझे पता चल जाए तो उस हिसाब से अपने ब्लॉग्स में मैं चेंजेस करूं। तो बस चलिए फिर यहाँ पर काम मेरा ख़त्म हो चुका है, बेडशीट भी मैंने लगा दिया है, बस फटाफट झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, और अभी आगे वाले रूम में भी मुझे सही करना है, क्योंकि अभी का खिलौना पड़ा है मैंने आप लोगों से बताया, तो इनका खिलौना वगैरह थोड़ा ज़्यादा सा बिखरा है, तो वो सारा समेटेंगे, और रूम में जो है झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्लीपर वगैरह पहन के आओ जाओ बारिश का मौसम है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर अभी से मैं बातें भी करती रहती हूँ, पति देव जा नहीं रहे थे पतंग उड़ाने, लेकिन मैंने कहा नहीं जाओ, क्योंकि अब दो तीन दिन छुट्टी है तो थोड़ा सा इन्जॉय कर लें, नहीं तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल हॉस्पिटल से घर यही हो जाता है, तो मैंने कहा जाओ मैं चाय वगैरह बना लूँगी, और मूँगफली भुने हैं चटनी बना दिए हैं इतना ही बहुत है, तो बस अभी चाय बनाएंगे तो उनको फिर आवाज़ देंगे और वो आ जाएंगे, फिर चाय वगैरह पियेंगे साथ में। तो अभी मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, और मैं मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद, क्योंकि बारिश होने लगी थी और बारिश ना बहुत ज़्यादा तेज हुई थी, और मेरा फ़ोन जो है एकदम डिस्चार्ज है 15% है, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अभी जा रही हूँ छत पर, आप लोग को थोड़ी सी बारिश का नज़ारा दिखाऊँगी, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। 1 सेकेंड, मेरी चाय यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, तो किचन की जो इन्वर्टर वाली लाइट थी ना वो ख़राब हो चुकी, वो बल्ब जो है ना वो ख़राब हो चुका है, और लाइट अभी है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा जो है वो दिख रहा है, तो चलिए मैं फटाफट चाय में चीनी चाय पत्ती डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो जब तक चाय पक रही है चलिए छत से होकर आते हैं और दिखाते हैं पति देव छत पर टहल रहे हैं। ट्रेन आके खड़ी हो चुकी है, जो कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा, थोड़ा सा मूँगफली का दाना लेंगे क्योंकि बहुत तेज धूप लगी है, वो मतलब तीखा खाने का थोड़ा सा नमकीन खाने का मन है, और मैंने आपको बताया था मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है, तो बस मेरा छोटी बच्चा सो रहा है तो बहुत जल्दी से आऊँगी, तो चलिए छत का नज़ारा दिखा के फिर आते हैं।
चुके हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है देखिए। तो चलिए चलते हैं नीचे क्योंकि मेरा बच्चा सो रहा है, उनसे उनसे मिल लीजिए। कितना मोबाइल चलाते हो आप? कितना मोबाइल चलाते हो बोलो, बंद करो।